हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूँ कंचन सिंह नेगी, उत्तराखंड चमोली गढ़वाल से और पूरी भारत भ्रमण पर हूँ अभी साइकिल से। और आज सफर की शुरुआत हो रही है कुछ ऐसे, सुबह सनराइज तो हो चुका है, हम थोड़ा लेट में उठे हैं और लोग यहाँ पर अभी भी इंजॉय ले रहे हैं। हम लोग अभी आज यहाँ से निकलेंगे, कैंप वगैरह फोल्ड करेंगे। मोहित भाई कैसे लग रहा है? मजा आ रहा है ना कन्याकुमारी। ओके, तो भाई भी बुलंदशहर से, जैसे पहले बता चुका हूँ कि बुलंदशहर टू कन्याकुमारी कर रहे हैं। और भाई आजकल हमारे, कल के ब्लॉग में देखा होगा, कुकी स्पेशल मोहित भाई बने हुए हैं और ये हमारे चने उबल रहे हैं अभी, इसके बाद चने बनेंगे। और हम दोनों भाइयों का एक ही कैंप था, दोनों भाई एक कैंप सोए हुए थे क्योंकि दूसरा दिन लगा था, बहुत हवा चल रही थी। अभी दो दिन से हवा कम चल रही है, एक दिन से सॉरी कल से रात से हवा कम चल रही है। और हम लोग अभी नहा धो के, मतलब फ्रेश हो के सब कुछ निकलते हैं। यहाँ पे ना थोड़ा सा नहाने का, समुद्र में पूरे बाल खराब हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक है इधर टॉयलेट करके, ये तो यहाँ पे नहाने का है और सब कुछ है। 10 रुपये आपको अगर टॉयलेट भी करना है तो 10, और बाकी नहाने के लिए 20 रुपये है, उसमें 10 रुपये नहाने के, 10 रुपये कपड़े चेंज करने के। जैसे हमने कहा कि हमें कपड़े चेंज नहीं करना है, नहाना है, तो नहीं 20 रुपये ही लगेगा, तो नहाने का भी यहीं पर है। और इसके बाद देखते हैं इधर उधर, थोड़ी देर बाद नाश्ता करते हैं और निकलते हैं आज कोयम्बटूर के, और क्योंकि इसका, इसके बाद जो दूसरा मेन टारगेट होगा वो आदियोगी का होगा और वहाँ के लिए निकलेंगे, आज ही निकलेंगे। तो जैसे जैसे रहेगा यार, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, एक मतलब मुझे विश्वास ही नहीं था कि मैं कर पाऊँगा, बहुत सारे डर थे इस प्रकार के, बहुत सारे लगता है कि लोगों को भी लग रहा था कि नहीं कर पाएगा ये, पूरी इस जर्नी को नहीं कर पाएगा, लेकिन मैंने कर दिखाया पूरा उत्तराखंड केदारनाथ से लेकर साइकिल में यहाँ तक, पूरे 76-77 दिन हो चुके हैं और पूरा कर चुका हूँ। इसके बाद फिर रिटर्न इतने दिन लगेंगे केदारनाथ तक, जितने भी लगेगा, और फिलहाल तो निकलने की तैयारी है। अभी नाश्ता वगैरह करके नहा धो के देखते हैं, जैसे जैसे रहेगा फिर बताते रहेंगे। तो भाई लोग ये अपना फिक्स ईटिंग पॉइंट बन चुका है और हम लोगों का अभी ब्रेकफास्ट बनने के, चने वगैरह खाने की तैयारी है। भाई कैसा है टेस्ट? अपने आप बनाएंगे तो बढ़िया लगता है भाई, जबरदस्त टेस्ट है। तो भाई बहुत जबरदस्त टेस्ट है यहाँ पे, और साउथ में तो ऐसे कुछ मिलने वाला है भी नहीं वैसे भी, जो ये चने वगैरह है यहाँ पे, इडली डोसा है। और दो दिन से भाई के साथ हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है खाने खाने में, जो भी है खुद ही बना रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। लोगों का भीड़ देख सकते हैं काफ़ी, ओ अपने अपने मजे ले रहे हैं, एकदम लास्ट पॉइंट पे बैठ के हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। ये तो फेवरेट हमारा जो ईटिंग पॉइंट हो चुका है, डेली यहीं पे आके खा रहे हैं हम लोग, बना इधर रहे और खा रहे हैं। तो देखो भाई क्या सिस्टम फाड़ रहे हैं लोग, अपने अपने भयंकर, कोई नहा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई लेटा है, अलग ही मजे हैं दुनिया के। कोई थाईलैंड से है तो कोई अलग अलग, मतलब कोई इंग्लैंड से है तो कोई कहीं से, कोई कहीं से, सब चले हैं। तो भाई काफ़ी अच्छा टेस्ट है और इसमें देख सकते हैं मिक्स और खाया सब कुछ, प्याज टमाटर मिर्च वगैरह, आज थोड़ा नींबू की कमी खल रही है, नींबू ख़त्म हो गया था, बाकी भाई बहुत टेस्टी है। तो चलो फिर जैसे जैसे रहता है, इसके बाद नहाना भी है और उसके बाद फिर निकलना है। कैंपिंग वगैरह फोल्ड करने के बाद ना, पूरे यहाँ पे गर्मी बहुत है तो पसीने पसीने हो रहे हैं, इसलिए हमने प्लानिंग रखा था पहले पैकिंग करेंगे उसके बाद नहाएंगे। और हमारे मोहित भाई तो नहा चुके हैं। भाई कैसे फील है रहा? एकदम मस्त। पानी कैसा है, मीठा पानी है या फिर खारा पानी? मीठा पानी है। हाँ, इसलिए हम आज समुद्र में नहीं नहा रहे और अंदर यहाँ पे 20 रुपये देने पड़ते हैं नहाने के लिए, तो वहाँ पर नहाएंगे क्योंकि उससे थोड़ा बाल वगैरह सही रह जाएंगे, नहीं तो खारे पानी से एकदम बुरे हाल हो जा रहे हैं और दिन भर एकदम पूरे चिपचिपाट रहे हैं। खारे पानी से यहाँ पे नहा भी ले,
तो उसके बाद में क्या है कि जैसे हम होटल वगैरह में तो रह नहीं रहे कि हम एक दो तीन बार नहालेंगे तो सही हो जाएंगे। अभी क्या है कि हम अगर यहाँ पे नहालेंगे फिर उसके बाद हमें ट्रैवल करना पड़ेगा। उसकी वजह से क्या है कि रैशेज होने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि नमक का पानी रहता है ना बिल्कुल, इस वजह से उससे नहीं नहा के अपना जो है नॉर्मल पानी से नहा रहे हैं तो वो ज्यादा सही रहेगा। चलो ठीक है, अब मेरी बारी, अब मैं नहाने चलता हूँ, उसके बाद चलते हैं सीधा। पैकिंग तो सब कुछ हो चुकी है हम लोगों की और बाकी फिर उसके बाद सीधा चल रहे हैं। बाकी देखो ये पैकिंग करने में कितने पसीने वगैरह, मतलब गर्मी काफ़ी है और थोड़ा बादल भी है फिर भी गर्मी हो रही है। तो नहाने के बाद एकदम मस्त लग रहा है, एकदम फ्रेशनेस फील हो रही है। और इसके बाद ना एक और छोटा सा काम बच गया है, छोटा सा काम नहीं मेरे लिए तो मोहित भाई के लिए बहुत बड़ा काम है, क्योंकि मोहित भाई रामेश्वरम से जो 7 धाराओं का पानी है और यहाँ रामेश्वरम जहाँ पर राम जी नहाए थे वहाँ से पानी ले जाके अभी अयोध्या जाएंगे, तो वो पानी भरने का रह गया हमारा, तो बोतल निकल चुके हैं। हाँ मोहित भाई, इसके बाद ये सामने जहाँ पर झंडा दिख रहा है ना, कहते हैं कि यहाँ पर राम जी जब लंका से जीत के आए थे तो यहाँ पर वो नहाए थे, ये झंडा हमेशा लगा रहता है और इसको मंदिर वाले बदलते रहते हैं, तो यहाँ पर जाना है और पानी भर के ले आना है। तो चलो भाई, चलो जस रहे हो भाई चश्मे में, चलो। वही मतलब 78 दिन लगा है मेरे को, अभी इतना ही और लग जाएगा वापस जाने में, पूरा 6 महीने का ट्रिप है। हॉल्ट वगैरह कैसा? हॉल्ट टेंट भैया, टेंट है क्या? हाँ भाई के टेंट इधर। हाँ रात को यहीं पे टेंट लगाया था उधर पे, तो उधर टिकट लेंगे। हाँ टिकट लेंगे, खाने का वगैरह सब साथ के बने के रहते हैं। खाने का सब कुछ, कितने कितने किलोमीटर कैलकुलेट कर दिन में? दिन का भैया एवरेज मेरा 120 लगभग है, 120 किलोमीटर। हाँ साइकिल से, आपको बाइक पे कितना? बाइक से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर 200 ढाई सौ क्योंकि बैठे बैठे फिर दर्द होने लगता है। तो हम लोग कन्याकुमारी से काफ़ी आ गए हैं, तो यहाँ पर रुके हुए थे हम लोगों ने फ़ोन वगैरह चार्ज किया, क्योंकि वहाँ पर ना जहाँ पर हम रुके थे वहाँ पर फ़ोन चार्जिंग का कुछ नहीं था, कि हमको किसी के पास पावर बैंक दिया तो उन्होंने कहने लगे कि 100 रुपये लगेगा एक पावर बैंक चार्ज के, तो हमने पावर बैंक दिया नहीं और फ़ोन डेड, ऑलमोस्ट सारे फ़ोन डेड हो चुके थे। तो अभी मेरे फ़ोन हो चुका है ये 83% और दूसरा भी थोड़ा बहुत हो चुका है, तो अभी मैं आगे निकल रहा हूँ और मोहित भाई पावर बैंक वगैरह चार्ज करके आएंगे, क्योंकि वो बाइक से हैं तो मैं तब तक वो मेरे को कवर कर लेंगे। अभी हम ये इधर रास्ते पे हैं, ये बाइक है, बाइक है और ये मेरा मेरी साइकिल, तो भाई तो अभी बैठे हैं चार्ज करेंगे और मैं निकल रहा हूँ फिर आगे के लिए। तो हम अभी कन्याकुमारी से वापस आ रहे हैं और आप लोग बोलेंगे यार यहाँ पर पहाड़ियाँ नहीं होती हैं, तो ऐसे नहीं है, यहाँ पर भी देखो ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं एकदम बादलों के अंदर घुसे पड़े हैं, तो यहाँ पर भी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर पौन से की बहुत ज़्यादा मतलब लगाई गई हैं बहुत सारे, मतलब देखो दूर दूर तक। तो अभी हम मदुरई की ओर जा रहे हैं, मदुरई मीनाक्षी टेम्पल और उसके बाद आदियोगी की ओर, तो देखें यार भाई लोगों इधर ना एकदम ज़बरदस्त व्यूज है, सामने देखो ये शिवलिंग तरह का पहाड़, एकदम ज़बरदस्त छोटी पहाड़ी और इधर रोड भी बहुत अच्छी है दूर दूर तक, ये देखें मस्त लग रहा है। अभी मदुरई है यहाँ से 198 किलोमीटर, तो मेरे को लगता है 2 दिन और लग जाएंगे, आज तो कम ही कवर कर पाएंगे क्योंकि आज लेट से उठे हैं और बीच में फ़ोन चार्ज नहीं था तो फ़ोन चार्ज भी किया है। अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मोहित भाई पीछे हैं वो फ़ोन चार्ज कर रहे थे, बाइक से भी हैं तो वो जल्दी मेरे को कवर कर लेंगे, तो मैं आगे निकल चुका हूँ। यहाँ हरियाली अच्छी है एकदम बढ़िया मस्त कवाली, ये साइड में घास, उधर केले वगैरह खेती बाड़ी, एकदम पहाड़ों वाली फील आ रही है यहाँ पर। तो सुबह हम जब निकले थे तो हमने चने का नाश्ता किया था सुबह उठ के, और उसके बाद अभी 20 मिनट तो चाय पी ली थी, मोहित भाई तो चाय भी नहीं पीते थे और हमने यहाँ पर पराठे मंगवाए, तो ये है पराठे ये हमारे यहाँ मंडुए की रोटी से बड़ी होती है और इसको कहते हैं साउथ में पराठा, ये भी ना मैदा टाइप से बना होता है, ये आटा प्योर आटा से तो नहीं है ना भाई, क्या ख्याल है? पता नहीं भाई, आधी सब्जी इस पर रही है, पत्ते पर आधी सब्जी नीचे भी कर दी। हाँ तो हमें पराठे क्या साथ मिला है, ये देखो ये वाला, तो नॉन वेज वेज ओके चिकन भाई वेज बोल नॉन
नॉन वेज है वो चिकन बोल रहा है, नॉन वेज है, नॉन वेज तरी है उसका चिकन का। नॉन वेज, नॉन वेज है भाई पहले ही बता। हाँ तो ये नॉन वेज है, यही खाना काम चलाना पड़ेगा। पराठे ठीक है तो ये पराठे देखो, एक थाली में ना चार पराठे आ सकते हैं। उत्तराखंड में इस थाली में भी एक पराठा कभी कभी नहीं आता है, इतने बड़े पराठे होते हैं। तो यहाँ पे ये हाल है। तो चलो देखते हैं। तो यार भाई अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी एक्चुअली। यहाँ पे मोहित भाई का ना ये गाड़ी बहुत पुरानी है। कितने साल पुरानी भाई? ऑलमोस्ट 15 साल पूरे होने वाले हैं, 2 महीने बस दिखे। तो इसके टैंकी ने यहाँ पर रगड़ रगड़ के जंग लग गया होगा और लीक कर दिया। आधे रास्ते में बहुत मतलब पेट्रोल गिर गया था। तो हम लोग बहुत 1-2 किलोमीटर तक ऐसे ही बड़े मुश्किल से ले आए इसको, और अब जाके ना यहाँ पे एमसील मिला है हमको। तो एमसील चिप कर रहे हैं इसको, ये देखें बहुत बुरा हाल, मतलब 2-3 एमसील लगा दिया है उसके बाद भी ये निकल रहा है अभी, मतलब बहुत बुरे हाल हैं। और ये देखें वहाँ रोड में भी खड़े कर रखे थे, वहाँ पे पूरा पेट्रोल ही पेट्रोल हो गया। कुछ तो हमने निकाल लिया पेट्रोल, उसके बाद भी ये पूरा निकल रहा है अभी तक। तो इसको जहाँ तक रिपेयर शॉप मिलता है तब तक कुछ ऐसे ही काम चलाएंगे हम लोग, देखते हैं। आई होप कि जल्दी ठीक हो जाए। थोड़ा ना मतलब प्लास्टिक से ये पिन्नी लगाई है ना जो इस पे, हाँ उससे फर्क पड़ा है। हाँ तो चलो सूख जाइए, बहुत परेशानी हो रही। नहीं तो हम ऐसे ही चलाते चलाते भाई ने एक हाथ से वहाँ पे दबा रखा था जहाँ पे छेद है, तो क्लच भी मैं छोड़ रखा था। ये अभी देखो एमसीएल दोनों मिक्स करके पूरा हाथ कैसे हो गया। तो यार भाई ये छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आती रहेगी, लेकिन देखते हैं अगर कहीं पे सही करने का मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा भाई। लोग अभी ना मैं 2-3 दिन से यहाँ पे बहुत जलन महसूस कर रहा था एक्चुअली ना ये पूरे छाले वो पड़ रखे हैं, मतलब पूरा जल के ना पूरे छाले छाले हो गए। तो ये अभी दाने वो रखे थे मैंने फोड़ दिया इनको, खुजली हो रही है इन पर। ये ना गर्मी के कारण इतनी गर्मी यहाँ पे है कि पूरे छाले पड़ गए हैं। देखो ये फोड़ दिया मैंने पूरा, पानी पानी निकल रहे, हल्का हल्का दाने इन पर हो रहे थे। आज दर्द तो नहीं हो रहा लेकिन पूरे जैसे जल के होता ना पूरा वैसे हो गए थे ये देखो, मतलब बहुत बुरा हाल है। तो यार यहाँ पर इतनी गर्मी है कि पूरा जल के ना छाले पड़ जा रहे हैं, ये देखो बहुत बुरा हाल है। मतलब मैंने पूरा ये फोड़ दिए, पानी पानी निकल रहा है इनमें जैसे जल के होता है एकदम। ये किसी और चीज़ से नहीं, लेकिन गर्मी से हो रही है। आजकल मैं शॉर्ट्स पहन रहा था तो उसी से हो जा रहा है ये। तो इतनी गर्मी है एकदम, देख सकते हैं टाइट वाला सिस्टम हो गया है, यहाँ पूरा काला है और यहाँ पूरा बुरा है। तो भाई लोग अभी अब जाके हम लोगों ने एक पेट्रोल पंप पे कैंप लगाने की सोची है। यहाँ पे पेट्रोल पंप है और काफ़ी बड़ा पेट्रोल पंप है, इन लोगों ने हमको ना यहाँ पे स्पेस दे रखा, पेट्रोल पंप काफ़ी दूर दूर तक है। तो हम अभी टेंट लगाएंगे और तब तक हम कैंपिंग कर रहे हैं। ये भाई लोग हैं और यहाँ अंदर ऑफिस में जो ओनर हैं वो बैठे थे, तो उन्होंने ईजिली हाँ कर दिया था। तो मैं टेंट लगाने जा रहा हूँ अब, तो देखते हैं जैसे जैसे रहेगा। और काफ़ी मुश्किल आए, जो भाई मोहित भाई की बाइक थी उस पर छेद हो गया था टंकी में, तो काफ़ी मुश्किल झेलनी पड़ी। पहले तो हमने एमसील लगाने की कोशिश की वो चिपकाने की, क्योंकि तेल से टंकी जस्ट फुल की थी हमने, और उसके बाद सारे बोतल ढूंढ ढूंढ के टंकी खाली की। उसके बाद अब जाके एमसील सुखाने में रहे बहुत टाइम, तो और उसके बाद एमसील सीला तब जाके अब आए हैं हम लोग। और भाई चेक कर रहे हैं, देखते हैं कितना प्रॉब्लम है। तो बस इसके बाद टेंट लगाएंगे फिर देखते हैं। फ्रेंड्स आपका काफ़ी अच्छा रहा, हम लोगों ने थोड़ा सफ़र लेट में शुरू किया था, उसके बाद वहाँ पे फ़ोन चार्जिंग का कोई ऑप्शन नहीं था, तो हम थोड़ा बीच में किसी मंदिर में रुक गए थे फ़ोन चार्ज करने के लिए। तो अराउंड ये मान के चलो कि हमने आज का सफ़र जो शुरू किया था 12 बजे के आसपास का था, और उसके बाद भी 91 किलोमीटर चले। मोहित भाई भी मेरे साथ साथ चल रहे हैं अभी। और आज हमने ना केवल इनर जो कैंप का होता है वो लगाया है, आउटर नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर बहुत गर्मी है तो इससे ठंडी हवा आती रहेगी। और बाकी आज ना मैं वैसे मार्केट गया था, यहाँ से कुछ दूर 7 किलोमीटर मार्केट है, तो
वहाँ पे सब्जी वगैरह लेने गया था, लेकिन हम आज पेट्रोल पंप पर रुके हैं तो यहाँ पे खाना नहीं बना सकते हैं क्योंकि बहुत सारी परेशानी हो सकती है। तो हमने ये केले लाए थे, केले खा चुके हैं, और सेब लाया था, कुछ सेब तो खा चुका है, ये मेरे बदले का एक बचा है, वो अभी खाऊंगा। और मैं दूध लाया था, तो ये दूध है, तो अभी देखते हैं दूध पियेंगे, उसके बाद देखते हैं कैसे कैसे रहता है। वैसे खाना बना सकते थे लेकिन यहाँ पर नहीं, हम बाहर जाके बना सकते थे, तो आज नहीं बनाया। और मोहित भाई दिख रहे उधर बैठे हुए हैं बाहर पे, थोड़ा सा दिख रहे, तो काफ़ी अच्छा आज का रहा सफ़र। थोड़ा सा मोहित भाई की जो बाइक की टैंक है वो काफ़ी टाइम से वहाँ पे खरोज लग रहा होगा, तो जंग लग गया था और वो लीक हो गया था, बीच में बहुत परेशानी हुई, उसको दबा के लाना पड़ा। उसी टाइम हमने मोहित भाई ने अपनी टैंक फुल करी थी, तो हमने पहले बोतल वगैरह इकट्ठे किए, तेल पूरा निकाला, उसके बाद हैंड सील करके लगाया वहाँ पे, और अब जाके थोड़ा ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सफ़र रह रहा। बाकी भाई लोगों, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल चाहिए। यूट्यूब पे काफ़ी मतलब अभी कम सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, और जितने भी हैं यार थोड़ा सा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तभी कुछ हमारा भी हौसला बने रहेगा। अभी चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो थोड़ा सा कुछ सपोर्ट कीजिएगा ताकि अगर अभी इनकम आए तो थोड़ा सा हमारा भी हौसला बने रहेगा और हम चीज़ें करते रहेंगे आगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव दोस्तों।